अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द बास किचन। आज के इस वीडियो में मैं आपको आटे का कुकीज़ बनाना सिखाऊंगी। ये एक चॉकलेट कुकीज़ है जिसे बनाना बहुत इजी है और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक कप आटा लिया है, आधा कप पाउडर शुगर लिया है, थोड़े से चॉको चिप्स लिए हैं मैंने, अमूल बटर लिया है 100 ग्राम, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है, वेनिला एसेंस और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। तो सबसे पहले हम बटर को एक बोल में डालेंगे। ये बटर मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था। हम बेकिंग के लिए जब भी कोई भी सामान यूज़ करें तो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ ही यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे पूरा बटर डाल दे रही हूँ। अब मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब आप बीटर की मदद से इसे अच्छे से व्हिप कर लें ताकि जो ये मिक्सचर है वो अच्छे से क्रीमी और सॉफ्ट बन जाए। अब मैं इसमें वेनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। साथ में इसमें मैं आटा डाल दूंगी। इसमें मैं कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ यहाँ पे मैं, और ये चॉको चिप्स। इसे डालकर आप अच्छे से मिक्स कर लें। इसको मिक्स करने के लिए मैं थोड़ा सा दूध का भी यूज़ करूँगी। अगर आपको दूध की ज़रूरत ना लगे तो आप दूध ना यूज़ करें। अगर आपको मिक्सचर ड्राई लग रहा है तो भी आप इसमें थोड़ा सा 1 to 2 टेबल स्पून दूध डालकर इसे इस तरह से गूंद लें। फिर आप इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें और इसको इस तरह से प्रेस करते हुए इसको बिस्किट का शेप दे दें। तो इस तरह से मैं यहाँ पे सारे कुकीज़ बना के तैयार कर लूँगी। मैं आपको ये अवेन और विदाउट अवेन दोनों तरीके से बनाना सिखाऊँगी ताकि अगर आपके पास अवेन ना हो तो भी आप इसे आराम से बना सकें। सारे कुकीज़ तैयार हैं। मैं यहाँ पे बेकिंग ट्रे पे बेकिंग पेपर रखा है और उसके ऊपर कुकीज़ को रख रही हूँ। आधे कुकीज़ मैं अवेन में बेक कर रही हूँ और आधे मैं कढ़ाई में बेक करूँगी। तो उसे मैंने अलग से प्लेट पे रख लिया है। अब मैं यहाँ पे फोक की मदद से इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ। आप जैसा डिज़ाइन चाहें वैसा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो पहले हम कढ़ाई में बेक कर लेते हैं। कढ़ाई में मैं यहाँ पे 2 to 3 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें कुकीज़ डाल देंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर बेक होने देंगे। बीच बीच में आप इसे खोल के चेक करते रहें। कढ़ाई में बनाने में ये थोड़ा सा टाइम लेता है। 20 से 25 मिनट में ये आराम से बेक होके बिल्कुल तैयार है। साथ में हमारा ओवन वाला कुकीज़ भी तैयार है। इसे मैंने प्री हीटेड ओवन में डालकर 180 डिग्री पे 10 से 15 मिनट के लिए बेक किया था। अब हम इसे कूलिंग रैक पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद आप इसे स्टोर करके आराम से 1 महीने तक रख सकते हैं। देखिए कुकीज़ हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ ये कितना क्रिस्पी बना है। ये देखें, मैंने अपने चैनल पे और भी कुकीज़ की रेसिपी शेयर की हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करें। इंशाल्लाह दोस्तों जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।